लद्दाख च भारती चीन बॉर्डर ते चीनी सेना नाल हुई मुठभेड़ च भारतीय सेना दे 20 जवान शहीद हो गए। इन्हां चों 4 पंजाब दे रहण वाले सन। इन्हां चारां चों एक सतनाम सिंह नामक शहीद गुरदासपुर दे पिंड भोजराज दा रहण वाला सी, जिस दे शहीद होण मगरों इलाके दा माहौल गमगीन हो गया। ते दूजे पासे पटियाला जिले दे पिंड सील दे रहण वाले शहीद मनदीप सिंह दी मृतक दे पिंड पहुंची ते शहीद लई शहीद मनदीप सिंह अमर रहे दे नारे भी लगे। शहीद नू अग्नि उसदे 11 साला पुत्र ने दिती। इन्हां शहीदां नू अंतिम विदायगी सब वलों नम अखां नाल दिती गई। शहादत दा जाम पीण वाले शहीदां दे अंतिम संस्कार मौके आम लोकां दे नाल नाल भारतीय फौज, समाजिक संस्थावां, राजनीतिक लीडर ते पुलिस प्रशासन मौजूद सी। मेरे भरा नैस सुबह सतनाम सिंह 3 मीडियम से, जो कि उन्होंने निंबू जून तैनात सी, और निंबू तो बाद उन्होंने ओप एरिया चन्ना बार्डर कहीं LIC में लगता है, और वहाँ पे जाके वो कल कहीं मुठभेड़ हुई, कल 7 बजे बोल रहे थे, और उसमें वो शहीद हो गए, कहीं सिर में चोट बता रहे हैं, और कुछ उन्होंने बताया नहीं अभी, और डेड बॉडी अभी कोई संभावना नहीं, कल शाम तक हो सकता आ जाए। मैं फौज में सूबेदार रैंक में हूँ, और मेरी जूनिट हैदराबाद में तैनात है। बड़े भाई मेरे सतनाम सिंह, वही मेरे बड़े भाई है, मैं छोटा हूँ उनसे, उन्होंने बच्चे परिवार, उन्होंने एक मतलब के एक लड़की है, एक लड़का है, और वाइफ है, वो फादर मदर के साथ रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। लाठ मेरे को कल कहीं दूर की रिश्तेदारी से फ़ोन आया, और रात 9 बजे लगभग, और मैंने फिर इंक्वायरी करनी शुरू किया, और फौज की एक्सचेंज से मैंने उसकी जूनिट में बात की। उनके साथ मेरी 3 दिन पहले बात हुई है, और उस टाइम वो ठीक ठाक से, उन्होंने सरकारी नंबर से कहीं बात की है, और उसके बाद में कल जब हमारे को पता चला 9 बजे भी इस मतलब के इसका ये कारण काम हो गया, तो मैंने सरकारी फ़ोन अपनी जूनिट से लेके और बात किया, मेरे से किसी ने बताया नहीं। उन्होंने ये बोला कि आपको जो मतलब के जो आपको खबर मिल गई है वो सही है। तो मेरे को सुबह जाके लगभग 8 बजे किसी मतलब के अननोन नंबर से फ़ोन आया, तो उसने बताया कि हाँ ये कार्रवाई हो गई है, और सही 12:30 बजे मेरे को आज पता चला कि सतनाम साहब की डेथ हो गई है, और ये बहुत दुख की घटना है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया कि उस टाइम वहाँ उधर थे, वो 7 बजे ये कार्रवाई कल हुई है, 7 बजे चन्ना के साथ मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में शहीद हो गया, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस यही हमारे को इतनी खबरें मिली है, ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे को 7 बार मान भी है, और हो सके तो इसका मैं जरूर फौज में नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ऐसी रहेगा कि मैं इसका बदला जरूर लूँगा। बड़ी दुख की गल है, जिससे नौजवान साढ़ा फौज से नौकरी करता हुआ साधा भरा बॉर्डर से लड़ता हुआ शहीद हो गया, तो साढ़े देश में एक सबक है कि जो भी इस चीज में कभी भी कोई हरकत दिखती है तो सामने भी कदम नहीं होना जवाब देता, पर साढ़े देश में अब कोई इतना बहुत भय बच्चा साढ़े देश में, हम सरकार को सेंट्रल सरकार को ढेल चुकानी चाहिए, जिन्हें साढ़े फर्जी शहीद हुए हैं वो देखा सारिया फौजा मुंह तोड़ा जवाब देकर इन्हों की शहादत का बदला करना चाहिए, यही साड़ी मांग है, तो यही लोगों का जो गुस्सा ताई कटा होगा जो इन्होंने शहीदों का बदला नहीं देना। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन पंजाब TV। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। For all latest notification, don't forget to press the bell icon.